सबने स्टेज सेट कर दी, सेनेटर साहब खुशहाल हुसैन साहब आपका बड़ा मशहूर हो उसके लिए। आज से 10-12 साल पहले काफी लोग जिनको मुझे समझाने की जरूरत नहीं थी उनको समझ थी, उन्होंने तैयारी की हुई थी ये जो हुआ 14 अगस्त को, उसके अंदर उन्होंने इत्तेहाद भी वो बना दिया जिसकी आपने जिक्र किया ना, ध्यान के साथ बेहतर ताल्लुक किए, रूस के अफ्ताब पहुंच गए, बहुत बड़ी उनकी एक खास कामयाबी, चीन तो था ही हमारे साथ, तुर्की भी आ गया, ये सब लोग मौजूद थे। जब हुआ वक्त जिसमें हमने अपना रोल प्ले करना था, जो कि हमारा ख्याल था कि हम करेंगे उस वक्त, उस वक्त कुछ लोगों के क्या कहते हैं पैर कांपने लगे। जी पहले तो आप वो करें इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए, हमारी तो नहीं बनी आज तक, लेकिन उनको कहा गया पहले ये बनाइए, जानते हुए आई थिंक इमरान साहब ने बात की ना, उनका अपना एक तरीका होता है, वो करेंगे लेकिन अपने तरीके से करेंगे, प्रेशर में नहीं करेंगे। आप ह्यूमन राइट्स करें, ह्यूमैनिटेरियन की बात आई तो हमने अपना काम छोड़कर ओआईसी को बुला लिया, आज तक ओआईसी ने कभी कोई काम किया तो मुझे तो नहीं पता, मैं 2 साल उनके साथ भी काम कर रहा हूँ। ये जो बहाने बना रहे थे सनी साहब, आप ठीक कह रहे हैं, ये किसी वजह थी इसकी, और वो जो टांगे कांपी हैं वो वाकई उसी वजह से हुई है। ये सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं होगा, असल टारगेट पाकिस्तान बनेगा, उस मकसद को हासिल करने के। किसी जमाने में इकोनॉमिक हिटमैन की बात करते थे, आजकल स्ट्रेटेजिक हिटमैन भी है और सियासी हिटमैन भी है। बहुत अच्छा। तो अगर उनका आपने ख्याल नहीं किया, मेरा तो अपना ख्याल है कि इस तरीके से मैं भी आपकी तरह यही दुआ करता हूँ कि गलत हो जाए। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वी आर ट्राइंग टू स्नैच डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। हो गई थी, कामयाब हो गई थी, इसको करने की जरूरत थी, और अभी कई वजूहात की बना पर जो कि लोग समझते हैं क्या हो जाए, कोशिश तो यही कर रहे हैं कि हम ये इसको किसी और की विक्ट्री में तो तब्दील कर दें, लेकिन हमारे इंटरेस्ट में वो बनती नहीं। और इसीलिए मेरा ख्याल है कि इस वक्त अगर कुछ करना है, जहाद करना है, एक और जहाद है जो कि इस बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत अच्छा।